जयंत सिंह की क्रूर यातना का वीडियो वायरल होने के बाद कमरहाटी के एक युवक पृथ्वीराज मुखर्जी को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज ने बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट और बेलघरिया पुलिस स्टेशन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट और बेलघरिया पुलिस स्टेशन को हाई कोर्ट के चैलेंज का सामना करना पड़ा। इस बीच बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पृथ्वीराज के घर पर इस प्रदर्शनकारी युवक से मुलाकात की। अर्जुन सिंह मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे बेलघरिया कॉलोनी बाजार इलाके में अपने घर पर थे। पृथ्वीराज और उनके परिवार से काफी देर तक बातचीत की। अर्जुन सिंह ने पृथ्वीराज से कहा कि उनसे डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास भी कई मामले हैं, मैं पृथ्वीराज के साथ खड़ा हूँ। अगर पुलिस वीडियो का सोर्स पहुँच रही है तो पुलिस को कहिए कि मैंने वीडियो दिया है, इसकी जमीनी स्तर से अपेक्षा है। तृणमूल का मतलब शासन को बढ़ावा देना है। पृथ्वीराज के जज्बा को समर्थन करने के लिए जिस तरह से बंगाल में जंगल राज चल रहा है, शासक प्रशासक अधिकारी गुंडा पॉलिटिशियन सब मिलकर बंगाल को, बंगाल के नए जनरेशन को, बंगाल की माताएं बहनों को जिस तरह से अपमानित कर रहा है, शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ जो ये 20 वर्ष का लड़का बच्चा खड़ा हुआ है, उसके जज्बा को सलाम करने के लिए मैं आया था और उसके पास खड़े होने के लिए मैं आया था कि ऐसी लड़ाई देने वाले हर व्यक्ति के पास साथ में हम लोग हैं। और मैंने तो आह्वान किया कि हर घर से ऐसा एक नौजवान को निकलना होगा, तब बंगाल में बंगाल के लोगों को बचाया जाएगा, नहीं तो बंगाल बचने वाला नहीं। तो एक पोस्ट, वीडियो पोस्ट करने से हाईकोर्ट जाने पड़ता है, क्या कहेंगे इस बारे में? जंगल शासन का अंत का समय आ गया है। आपको याद होगा जब वामपंथी शासन जाने की स्थिति में थी तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी इसी पुलिस पर भरोसा करके शासन चला रहे थे और यहाँ की जनता ने पलट दिया था, और वही ममता बनर्जी फिर वही काम कर रही है, गुंडा पुलिस बाइपोडर को लेकर शासन चला रही है, उसका भी अंत होने का समय आ चुका है। ऐसा नहीं है कि जो असामाजिक लोग हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, जबकि जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, असामाजिक तत्व तो बंगाल की सरकार के ममता बनर्जी के एसेट हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी बोली थी कि मुझे गुंडा बदमाश अच्छे लगते हैं, गुंडा बदमाश को बोलते हैं बंगला में बकाटे छेले, हमार खूब पसंद है। बकाटे छेलेर मध्य जयंत और मतन लोग पड़े, दुष्ट ऐले मध्य शेख शाहजहान पड़े, बकाट ऐलर मध्य जेसीबी ताजमहल पड़े, बहु प्रत्येक पड़ाए पड़ाए ए रकम ऐले आरा उन पचंद लोक जर के दिए उन्नी शासन करते चाहिए और पुलिस पंगु हुए दलदास क्या कर। कल सौगत राय ने बोला है जो कमरहाटी म्यूनिसिपैलिटी में जितना काउंसिलर है उस लोगों के साथ अगर कोई प्रमोटर और क्रिमिनल रहेगा तो उसको सोपोज किया जाएगा, इस बारे में काउंसिलर जो प्रमोटर और जो तोलाबाज है वही तो काउंसिलर है, जिसकी बात करें उसको म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी दिया था क्या नाम है मदन मित्रा ने, और इस म्यूनिसिपैलिटी में तो 75 से ऊपर इलीगल नौकरी हुई है, टीटागढ़ यहाँ से भेज के टीटागढ़ में कराया गया, बारानगर में कराया गया। तो यहाँ का प्रमोटर कौन है? यहाँ का प्रमोटर मदन मित्रा, यहाँ का प्रमोटर क्या नाम है सौगत राय, यहाँ का प्रमोटर गोपाल शाह, यहाँ का प्रमोटर राजू, यहाँ का प्रमोटर राजू घोष, यहाँ का प्रमोटर कौन है? यहाँ का प्रमोटर जयंतो, यहाँ और दूसरा कौन प्रमोटर है? इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसको लेकर चेयरमैन कह रहा है कि हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी, उसको पद छोड़ देना चाहिए। जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आप एक बात सोचिए, आप अपना घर में एक प्लास्टर लगाइए तो इसके गुंडे पहुंच जाते हैं, इसके अधिकारी पहुंच जाते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई इनके, इनको पता ही नहीं था, ऐसा थोड़ा होता है, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं, खुद मूर्ख है। आप खड़े हुए हैं इस असहाय समय पर, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे साहस दिलाया है अर्जुन सिंह ने और पूरे राज्य नेतृत्व मेरे साथ है, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी भी है, हमारा मिनिस्ट्री डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन सुकांत मजुमदार जी वो भी हमारे साथ है, पूरा राज्य का भाजपा पूरा हमारे साथ सहयोगिता कर रहा है। कितनी धाड़स बधी है? देखिए, मुझे तो आतंक हो रहा है कि
वो लोग अब मुझे मारना चाहते हैं। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो वो कुछ भी कर सकता है मुझे, मगर ये लड़ाई हम लड़ेंगे, जितना दूर तक जाना चाहे उतना दूर तक हम जाएंगे, और इसका अंत भी हम देखेंगे।